हेलो गाइस, हिमाचली उथड्डा में आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश पटवारी का एग्ज़ाम जो है बहुत नज़दीक है, बहुत कम समय रह गया है। और हमें पता है कि एचपी पटवारी एग्ज़ाम में एक सेक्शन जो कि है जीके का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपकी जीके पे अच्छी होल्ड है तो आप मुफ्त के नंबर ले सकते हैं। अब जीके जो है वो दो टाइप का होता है, एक है स्टैटिक पार्ट और एक है करंट अफेयर वाला पार्ट। हम कभी भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि स्टैटिक पार्ट से ही क्वेश्चन आएंगे या करंट अफेयर पार्ट से क्वेश्चन आएंगे या दोनों का मिक्स आएगा। इसलिए अगर आप पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो आपको स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर दोनों पढ़ने पड़ेंगे। आइडियली अगर आप पेपर की तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की, तो कम से कम आपको पिछले 6 महीने का जीके या करंट अफेयर्स पता होने चाहिए। तो दोस्तों, ये जो मैं सीरीज़ चला रहा हूँ, इसमें हम पहले सितंबर अक्टूबर महीने के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे और उसके बाद अगर टाइम बचा तो उससे पिछले महीनों की तरफ भी बढ़ते जाएंगे। लेकिन इसमें हम कंप्रीहेंसिवली सारे करंट अफेयर्स कवर नहीं करेंगे। जो टॉप 100 या टॉप 50 करंट अफेयर्स हैं वही कवर कर पाएंगे, क्योंकि समय अभी बहुत कम है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ आपको टॉप 100 करंट अफेयर्स ऑफ सितंबर। ये टॉप 100 करंट अफेयर्स सितंबर महीने के हैं। एक वीडियो में ये कवर नहीं कर पाऊंगा, इसके दो पार्ट्स या तीन पार्ट्स मुझे बनाने पड़ेंगे। तो आज की वीडियो में मैक्सिमम क्वेश्चंस मैं कवर करना चाहता हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि हम आने वाली वीडियोज़ जो करंट अफेयर्स पर डालने वाले हैं, मैथमेटिक्स की सीरीज़ भी हमने स्टार्ट कर दी है, रिविजन जो है एक वीडियो उसकी डाल दी है आज सिम्प्लीफिकेशन की, प्लीज़ उसे देख लीजिए। आने वाले दिनों में और वीडियोज़ भी आ जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं नेशनल करंट अफेयर्स के साथ। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ पार्टनर्ड विद गूगल फॉर रोलिंग आउट बिल्ड फॉर डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। अब दोस्तों, थोड़ा सा टाइम लेता हूँ। इस पॉइंट के ऊपर जो क्वेश्चन बनेगा वो इस तरह से बन सकता है कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने किस कंपनी के साथ टाई अप किया है फॉर बिल्ड फॉर डिजिटल इंडिया। तो ऑप्शंस में आपके पास चार पांच कंपनी दे रही होंगी, वहाँ पर आपको अगर गूगल मिलेगा तो आप गूगल पर टिक करेंगे, या फिर ये आ सकता है कि गूगल और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किस प्रोग्राम को साथ में चलाने वाली हैं, तो उस प्रोग्राम का नाम है बिल्ड फॉर डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। तो आपने याद रखना है कि गूगल और मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने बिल्ड फॉर डिजिटल इंडिया प्रोग्राम चलाने के लिए पार्टनरशिप किया है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैज़ अप्रूव द कंस्ट्रक्शन ऑफ 2.99 लाख हाउसेज विद एन ओवरऑल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹15,109 करोड़ इन द 46th मीटिंग ऑफ द सेंट्रल अप्रूवल एंड मॉनिटरिंग कमेटी CSMC फॉर 2019। तो दोस्तों, यहाँ पर आपसे CSMC की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, तो याद रखिएगा CSMC सेंट्रल अप्रूवल एंड मॉनिटरिंग कमेटी है। और किसने अप्रूव किया है इतने घर बनाने का, कितने घर, 2.99 लाख घर बनेंगे हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर की मिनिस्ट्री ने। तो दोस्तों, मैं अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही हाईलाइट इसमें करूँगा, बाकी पूरा पॉइंट्स आप खुद पढ़ लीजिएगा। अ बुक टाइटल्ड इंडियाज लॉस्ट फ्रंटियर द स्टोरी ऑफ द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान रिटन बाय वेटरन सिविल सर्वेंट राघविंदर सिंह इज पब्लिश बाय रूपा पब्लिकेशन। तो राघविंदर सिंह जी ने किताब लिखी है इंडियाज लॉस्ट फ्रंटियर द स्टोरी ऑफ द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, और पब्लिश जिसने बुक की है उस पब्लिशर का नाम है रूपा पब्लिकेशंस। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है राघविंदर सिंह किस फील्ड को बिलोंग करते हैं, तो ही इज़ वेटरन सिविल सर्वेंट। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, एन इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी सेटअप बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ऑन फिनटेक रिलेटेड इशूज हेडेड बाय अतनु चक्रवर्ती हैज सबमिटेड इट्स फाइनल रिपोर्ट स्टीयरिंग कमेटी ऑन फिनटेक रिलेटेड इशूज 2019 टू द फाइनेंस एंड कॉरपोरेट अफेयर्स मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। ठीक है जी, तो क्या है, जितने भी फिनटेक रिलेटेड इशूज होते हैं उनके लिए एक कमेटी बनाई गई थी और जिसके हेड थे अतनु चक्रवर्ती। याद रखना है अतनु चक्रवर्ती। पूछा जा सकता है कि जो फिनटेक के लिए कमेटी बनी थी फिनटेक रिलेटेड इश्यूज के लिए सॉल्व करने के लिए, तो उसके कमेटी के हेड कौन थे, ये पूछा जा सकते हैं, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। और इस रिपोर्ट का नाम ध्यान रखिएगा, स्टीयरिंग कमेटी ऑन फिनटेक रिलेटेड इशूज़ 2019। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, इंडियाज़ डीप सी प्रोजेक्ट, इंडिया का एक डीप सी प्रोजेक्ट है समुद्रयान, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी चेन्नई NIOT जो है वो उस प्रोजेक्ट को चला रहा है। कौन सा है, समुद्रयान डीप सी प्रोजेक्ट है और ये 2021-22 में लॉन्च हो जाएगा। ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसिस का एक प्रोजेक्ट है और पायलट प्रोजेक्ट है, जिसमें कि तीन बंदे जो हैं, तीन पर्सन जो हैं, एक सबमर्सिबल व्हीकल जो कि 6,000 मीटर तक नीचे भेजे जाएंगे। ठीक, इसमें डीप सी माइनिंग, आप रेयर मिनरल्स ढूंढेंगे। तो याद रखिएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने प्रोजेक्ट चलाया है, समुद्रयान प्रोजेक्ट है, और कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इसको अंडरटेक कर रहा है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी चेन्नई में ये स्थित है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि NIOT कहाँ स्थित है, तो चेन्नई में स्थित है। अब पैनल ऑफ मिनिस्टर फ्रॉम कॉमर्स हेल्थ एग्रीकल्चर केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स एंड फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट्स चेयर्ड बाय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन विल स्टडी द प्रपोजल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू बैन द प्रोडक्शन एंड इम्पोर्ट ऑफ ई सिगरेट। जो ई सिगरेट का जो है पीछे जैसे न्यूज़ में बहुत आ रहा था, तो आप ये थोड़ा सा पॉइंट जो है पढ़ लीजिए, इसमें कुछ भी इससे रिलेटेड अगर आ गया तो आप आंसर देने के
लायक हो सकते हैं। अभी यूनियन फूड एंड कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर रामविलास पासवान, याद रखिएगा रामविलास पासवान जो हैं यूनियन फूड एंड कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर हैं। हाल ही में आरबीआई ग्रेड बी में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि रामविलास पासवान जो कि एक यूनियन मिनिस्टर हैं ये कौन सी स्टेट को बिलोंग करते हैं। तो इन्होंने अनाउंस किया है सिंगल यूज़ प्लास्टिक बोटल्स का बैन वेरियस डिपार्टमेंट में, जितने भी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं वहाँ पर, और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन हुआ है। तो किसने अनाउंस किया है? चीफ अपने कंज्यूमर फूड एंड कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर रामविलास पासवान ये बिहार को बिलोंग करते हैं। अब बुक टाइटल, अब जो बुक्स का दूसरा आ गया, एक बुक हमने पहले देखी, अब ये दूसरी बुक आ गया कि फूलपुर इंडियन फ्लावर्स देयर मिथ्स ट्रेडिशन एंड यूजेज, किसने लिखी है? झेलम विश्वास बोस, ठीक है, और पब्लिशर कौन है? पेंगुइन इंडिया पब्लिशर है। यूनियन की फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने एक टास्क फोर्स कंस्टिट्यूट की है जिसके हेड कौन से रहेंगे? मिस्टर अतानु चक्रवर्ती, ये हमने पहले भी देखा था जो फिनटेक वाली रिपोर्ट थी उसमें, और ये जो मिस्टर अतानु चक्रवर्ती हैं ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के हेड हैं। और अब ये क्या करेंगे, किस लिए एक टास्क फोर्स बनाई गई है? फॉर सेटिंग अप या ड्राइंग अप नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन ऑफ रुपीज़ 100 लाख करोड़ फ्रॉम द फिसल ईयर 2019-20 2024-25। तो याद रखिएगा अतानु चक्रवर्ती का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। अतानु चक्रवर्ती कौन है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स हैं और दो कमेटीज़ जो अब तक हमने पढ़ी उनके हेड हैं, हो सकता है फ्यूचर में कुछ पॉइंट्स हैं उनके भी ये हेड हों। अब एक जॉइंट एक्सरसाइज, ठीक है, नवल एक्सरसाइज, एक्सरसाइजेस क्या है? देश की विभिन्न जो हमारी आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, ये अन्य देशों के आर्मीज़, एयरफोर्स, नेवीज के साथ मिलकर के एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास करते हैं जिनके अलग अलग नाम रखे होते हैं। तो उसी तरह से एक नाम है सिलिनेक्स 2019। तो क्वेश्चन आ सकता है कि सिलिनेक्स 2019 कौन कौन से देशों के बीच हुई? तो इंडिया और श्रीलंका की नेवी के बीच में, ठीक है, मैरीटाइम नवल एक्सरसाइज हुई है। और कहाँ हो रही है? विशाखापट्टनम, ये भी पूछा जा सकता है कौन सी जगह पर हुई। तो विशाखापट्टनम, जापान इंडिया यूएस ट्राइलेटरल। एक और एक्सरसाइज है मालाबार 2019, मालाबार 2019 तीन देशों के बीच में हो रही है, ट्राइलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है, ये भी मैरीटाइम है, नेवीज़ के बीच में है, जापान इंडिया और यूएस के, और ये अक्टूबर में ख़त्म हो चुकी है, लेट सितंबर टू अक्टूबर होनी थी। अब सीबीएसई ने क्या किया है, कौन सी कंपनी के साथ ज्वाइन किया है ताकि वो क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजी हाई स्कूल टीचर्स कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम में लगा सके? तो माइक्रोसॉफ्ट। तो सीबीएसई और माइक्रोसॉफ्ट ने टाई अप किया है ताकि जो क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजी है हाई स्कूल टीचर की कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स में वो यूज़ कर सकें, ठीक है। अगला पॉइंट है, इंडियन क्रिकेटर एंड ब्रांड एम्बेसडर फॉर राइनो प्रोटेक्शन इन WWF इंडिया रोहित शर्मा हैड लॉन्च्ड रोहित फॉर राइनोज कैंपेन इन ए पार्टनरशिप विद WWF इंडिया एंड एनिमल प्लैनेट टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द नीड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वन होर्न राइनो, ठीक है जी। तो क्या पॉइंट है कि रोहित शर्मा ने WWF के साथ पार्टनरशिप किया है और एनिमल प्लैनेट के साथ पार्टनरशिप किया है ताकि वो जो सिंगल एक सिंग वाले राइनो जो होते हैं उनको, उनके बारे में थोड़ी जागरूकता फैलाएं, उनकी कंजर्वेशन के लिए जागरूकता फैलाएं। और इस कैंपेन का नाम क्या है, ठीक है, क्या नाम है कैंपेन का? रोहित फॉर राइनो, ठीक है। तो पूछा जा सकता है रोहित फॉर राइनोस किस जानवर को कंजर्वेशन के लिए कैंपेन लॉन्च की गई है? तो ये वन होर्न राइनोज आप याद रखेंगे। अगला पॉइंट है, फन जोन द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया हैज़ बीन सेटअप बाय रेलवेज एट विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन आंध्र प्रदेश। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि कौन से डिपार्टमेंट ने फन जोन सेटअप किया है? जी, रेलवे डिपार्टमेंट ने, कहाँ पर? विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन में, ठीक है। ये पहला है इंडिया में फन जोन, रेलवे डिपार्टमेंट ने विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन जो कि आंध्र प्रदेश में है वहाँ पे। विक्रम संपत की रिसेंट बुक, अब एक और बुक, हमने दो बुक्स पढ़ ली हैं, तीसरी बुक एक और आ गई, सावरकर इकोज फ्रॉम ए फॉरगॉटन पास्ट 1883-1924। तो किसने लिखी है? विक्रम संपत ने लिखी है, और किसके ऊपर है? वीर सावरकर के ऊपर है, पेंगुइन पब्लिशर ने रिलीज़ की है। ये बुक जो है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी, याद रखिएगा, सावरकर इकोज फ्रॉम ए फॉरगॉटन पास्ट विक्रम संपत ने लिखी है, और फ्रीडम फाइटर वीर सावरकर के ऊपर ये बुक है, और पेंगुइन पब्लिशर्स ने पब्लिश की है। इसरो जो कि इंडियन स्पेस एजेंसी है, इन्होंने एक विक्रम लैंडर के साथ कॉन्टैक्ट कर लिया है अराउंड 2.1 किलोमीटर ओवर द लूनर सरफेस। लॉस्ट मतलब हमारा कॉन्टैक्ट छूट गया था, हमें मालूम है कि हमारा लैंडर के साथ कॉन्टैक्ट छूट गया था और 2.1 किलोमीटर की दूरी पर ही था अभी ये लैंडर। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ से क्या बनेगा, ज़रूरी नहीं है लंबाई का पूछा जाए, तो पूछेंगे चंद्रयान 2 में लैंडर का नाम क्या था, तो लैंडर का नाम था विक्रम, और रोवर का नाम क्या था आप ऑप्शंस में बताइए, प्रज्ञान जो था वो रोवर था। आगे बढ़ते हैं, इंडिया हैज़ बीन डिक्लेयर्ड फ्री फ्रॉम H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा, ये एक बर्ड फ्लू है, और किसने डिक्लेयर फ्री किया है हमारे को? वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ ने डिक्लेयर किया है कि इंडिया जो है
वो बर्ड फ्लू H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा कौन सा फ्लू है, तो ये बर्ड फ्लू है। आगे बढ़ते हैं, इंडियाज़ फर्स्ट इंटरनेशनल वुमेन ट्रेड सेंटर IWTC, ठीक है, ये कहाँ पर सेट होगा, कोझिकोड केरला में, कोझिकोड केरला में। श्री विल्ली पुत्तूर पलकोवा एक मिठाई है मिल्क और शुगर की। विरुधुनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु को एक GI टैग मिला है। देखो ये GI टैग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन वाले टैग्स क्या होते हैं, जो एक पर्टिकुलर एरिया में चीज़ें मिलती हैं वहाँ पर जानी जाती हैं, उन चीज़ों को जियोग्राफिकल इंडिकेशन का टैग्स दिया जाता है। तो एक टैग ये है कि एक मिठाई है तमिलनाडु की विरुधुनगर डिस्ट्रिक्ट की, जिसका नाम है श्री विल्लू पुत्तूर पलकोवा, एक मिठाई है दूध और चीनी से बनती है, इसको GI टैग मिला है। DRDO ने एक सेकेंड इंडिजीनियसली डेवलप्ड एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट नेत्रा जो है इंडियन एयरफोर्स को दिया है। तो नेत्रा इंडियन एयरफोर्स को किसने दिया है, DRDO ने दिया है, ये अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट है। इंडो थाईलैंड जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मैत्री 2019 वाज हेल्ड इन मेघालय। हमने पहले भी मिलिट्री एक्सरसाइज जैसे कि मालाबार है, श्रीनक्स के बारे में कहा, तो इस तरह से एक और जो एक्सरसाइज है मिलिट्री एक्सरसाइज मैत्री 2019, ये किस किस कंट्रीज़ के बीच में हुई है, इंडिया और थाईलैंड के बीच में, ये मिलिट्री एक्सरसाइज थी। पहले हमने नवल एक्सरसाइज देखी थी, तो मैत्री 2019 क्वेश्चन आएगा, तो इंडो थाईलैंड इंडिया और थाईलैंड के बीच में मैत्री है। गुजरात ने सेकेंड एडिशन लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स मैं इंडेक्स में टॉप किया है, तो ये लीड्स इंडेक्स है, लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स, कौन सी स्टेट ने इंडिया में टॉप किया है, सेकंड एडिशन का गुजरात ने टॉप किया है। और अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MEIT हैज़ फ्रेम्ड एन 8-मेंबर्ड हाई लेवल पैनल हेडेड बाय इन्फोसिस को फाउंडर क्रिस गोपालकृष्णन टू स्टडी इशूज़ रिलेटेड टू नॉन पर्सनल डाटा एंड सजेस्ट द वेज टू रेगुलेट नॉन पर्सनल डाटा। तो याद रखिएगा कि एक जो कमेटी बनी है 8 बंदों की MEIT वाई ने जो बनाई है वो है क्रिस गोपालकृष्णन, और ये नॉन पर्सनल डाटा के ऊपर जो इशूज़ हैं उनके ऊपर है। इसरो और DRDO ने पार्टनर किया है टू डेवलप ह्यूमन सेंट्रिक सिस्टम फॉर द गगनयान प्रोजेक्ट, एक गगनयान प्रोजेक्ट है जिसके लिए इसरो और DRDO ने आपस में पार्टनरशिप की है। एज पर डिफेंस मिनिस्टर इंडिया 26 बिलियन डिफेंस इंडस्ट्री टारगेट अचीव कर लेगी 2025 तक, ठीक है, तो हमारी डिफेंस इंडस्ट्री कितने की होने वाली है, $26 बिलियन की, और कौन से एयर में 2025, तो एयर का टारगेट भी पूछ जाते हैं, कौन से ईयर का टारगेट रखा गया है इसके लिए। OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी JGU ऑफ हरियाणा हैज़ बीन कन्फर्ड द इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस स्टेटस बाय द मिनिस्ट्री ऑफ HRD। मिनिस्ट्री ऑफ HRD ने एक इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसको इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस स्टेटस मिला है, OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी जो कि हरियाणा की है, डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड गूगल इंडिया हैज़ कोलेबरेटेड टुगेदर टू लॉन्च ए नेशन वाइड अवेयरनेस कंपेन डिजिटल पेमेंट अभियान। तो डिजिटल पेमेंट अभियान से हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया है RBI ग्रेड बी में। नीना गुप्ता ने 2 अवार्ड जीते हैं, बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड फॉर द फिल्म बधाई हो, और लास्ट कलर के लिए उन्हें बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड मिला है IFFB यानी कि इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बोस्टन में। नीना गुप्ता, याद रखिएगा, नीना गुप्ता को बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। देखिए 2 अवार्ड मिले नीना गुप्ता को, एक बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड बधाई हो फिल्म के लिए, और बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड लास्ट कलर को मिला है, उसी की फिल्म है नीना गुप्ता की ही, और कहाँ मिला है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बोस्टन में। तो याद रखिएगा नीना गुप्ता का नाम, एक तो बेस्ट एक्ट्रेस, दूसरा उनकी एक फिल्म है लास्ट कलर, उसे मिला है बेस्ट फीचर फिल्म, और बेस्ट एक्ट्रेस किस फिल्म के लिए मिला है, बधाई हो के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेशन अवार्ड विद ग्रीन प्लेटिनम रेटिंग बाय द इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन को पहला स्टेशन ऐसा बना है जिसको ग्रीन प्लेटिनम रेटिंग मिली है इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा। तो याद रखिएगा सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन। और अभी हाल ही में एक सर्वे हुआ था जिसमें मोस्ट क्लीनेस्ट रेलवे स्टेशन की बात हुई थी पूरे इंडिया में, तो वो 3 रेलवे स्टेशन टॉप के जो हैं वो तीनों राजस्थान के हैं, पहला जोधपुर है, बाकी के आपको जैसे ही करंट अफेयर्स में आगे बढ़ता है मैं नाम बताता हूँ। और एक KBC में क्वेश्चन पूछा गया था क्लीनेस्ट रेलवे स्टेशन का, पहले 3 टॉप क्लीनेस्ट स्टेशन जो हैं वो तीनों के तीनों जो हैं वो राजस्थान के ही हैं, और फर्स्ट पोजीशन पर जो है वो जयपुर है। यूनियन होम मिनिस्ट्री ने एक सरदार पटेल नेशनल यूनिटी अवार्ड, नया अवार्ड पहली बार दिया जाएगा, और ये अनाउंस कर दिया है नया ऑनर, ठीक है, और किसके लिए मिलेगा लोगों को, नेशनल यूनिटी और इंटीग्रिटी को प्रमोट करने के लिए मिलेगा।
तो नया अवार्ड क्या है, जैसे भारत रत्न वगैरह पुराने मिलते थे, अब एक और अवार्ड बनाया गया है, सरदार पटेल नेशनल यूनिटी अवार्ड, और उन लोगों को मिलेगा जो नेशनल यूनिटी और इंटीग्रिटी के लिए काम करेंगे। अब एक नई कॉमिक बुक सीरीज़ है प्रोफेसर आयुष्मान, जो कि नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड ने अभी अनवील की है आयुष मिनिस्ट्री के द्वारा नई दिल्ली में। इससे क्या है कि चिल्ड्रंस बच्चों के बीच में अवेयरनेस जागेगी कि ताकि मेडिसिनल प्लांट्स और उनके इस्तेमाल में कितनी हमारे को ज़रूरत है। उसके बाद ये तो थे नेशनल न्यूज़, अब हम चलते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ की ओर, जल्दी से कवर करेंगे अदरवाइज़ वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, पर दोस्तों ये ज़रूरी है इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो भी जाए तो प्लीज़ आप इसे बेयर कर लीजिएगा। इंटरनेशनल न्यूज़ में हम देखते हैं बांग्लादेश ने एक पावर प्रोजेक्ट एग्रीमेंट साइन किया है इंडिया के साथ, कौन सी, अंबानी की, हमारे इंडियन के अनिल अंबानी की जो रिलायंस पावर है उनके साथ एक करार साइन किया है जिसमें कि 718 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है उसका पावर प्रोजेक्ट तैयार किया जाएगा। ओलेस्की होनचारुक 35-year-old प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, उन्हें 17th प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूक्रेन जो है वो बनाया गया है। तो याद रखिएगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूक्रेन ओलेक्सी होनचारुक 35-year-old हैं और इस 17वें प्रधानमंत्री बने हैं यूक्रेन के। कमेंट्स में जल्दी से आपको पता है तो आप बताइए या फिर सर्च करके बताइए कि यूक्रेन के करेंसी क्या है। मेंबर कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन साउथ ईस्ट एशिया रीजन हैव वोट टू रेडिगेट हाईली इन्फेक्शियस डिजीजेज ऑफ मीजल्स एंड रूबेला बाय 2023। तो आप बस इतना है कि जितने भी WHO की कंट्रीज़ हैं साउथ एशिया ईस्ट एशिया रीजन की, उन्होंने मीजल और रूबेला को जड़ से ख़त्म करने का लक्ष्य रखा है, कौन से साल तक, 2023 साल तक। एक और मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है युद्ध अभ्यास इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में, 15वां एडिशन है और ये सितंबर में हुई है, 5 सितंबर से 18 सितंबर तक हुई है। तो याद रखिएगा युद्ध अभ्यास इंडिया और USA के बीच में। थाईलैंड पहली एशियन नेशन बन गई है जिन्होंने प्लेन सिगरेट पैकेजिंग को चलाया है। तो प्लेन सिगरेट पैकेजिंग जो है ये बहुत न्यूज़ में था पीछे, तो थाईलैंड पहली है जिसने प्लेन सिगरेट पैकेजिंग स्टार्ट कर दी है। इससे क्या होगा कि सिगरेट की डिब्बी ज़्यादा आकर्षक नहीं दिखेगी, ठीक है। और ये क्यों किया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने गाइडलाइंस दी थी और उनको पहली बार जो है किसी कंट्री ने स्टार्ट किया है तो थाईलैंड ने किया है प्लेन सिगरेट पैकेजिंग का काम। अभी एशियन मिनिस्ट्रियल एनर्जी राउंड टेबल AMERB 2019 कहाँ हुई, अबूधाबी UAE में, और वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस 2019 सितंबर में होगी, वो कहाँ होगी, वो भी अबूधाबी में हो गई है, ठीक है। तो अबूधाबी में दो इवेंट हमने अभी देखे, एशियन मिनिस्ट्रियल एनर्जी ऑफ राउंड टेबल और दूसरा है वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस, ये सब कहाँ हुए, अबूधाबी में, ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स की, और अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं दोस्तों। वर्ल्ड बैंक ग्रुप प्रेजिडेंट डेविड मालापास हैज अनाउंस द अपॉइंटमेंट ऑफ अंशुला कांत एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के MD और CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अंशुल कांत, ठीक है। पेटीएम मनी के MD और CEO प्रवीण जाधव, याद रखिएगा पेटीएम मनी के प्रवीण जाधव, वर्ल्ड बैंक के अंशुला कांत, विजय कुमार चोपड़ा और विनीत जैन, ये चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, चेयरमैन कौन, विजय कुमार चोपड़ा, वाइस चेयरमैन कौन है, विनीत, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के, याद रखिएगा नाम। रणवीर सिंह को नया ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसका बनाया है, JBL, जो कि हेडफोन बनाने वाली कंपनी है या और ऑडियो इक्विपमेंट्स बनाते हैं, स्पीकर्स वगैरह, तो JBL के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो है एक्टर रणवीर सिंह। इंडियन एयरफोर्स ने एयर मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया को चीफ ऑफ एयर स्टाफ बनाया है, 26 चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं, इनसे पहले BS धनोआ जो थे वो चीफ ऑफ एयर स्टाफ थे। कृष्ण मोहन प्रसाद को पहला प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर बनाया गया है इनकम टैक्स ऑफ न्यूली सेटअप नेशनल ई असेसमेंट सेंटर NESC की, रिफॉर्म नेशनल ई असेसमेंट सेंटर के चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स क्या हैं, कौन है, कृष्ण मोहन प्रसाद। श्याम श्रीनिवासन को MD और CEO बनाया गया है फेडरल बैंक का, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, श्याम श्रीनिवासन फेडरल बैंक के MD CEO और फेडरल बैंक के हेडक्वार्टर्स हैं कोची में, कोची कहाँ है, केरला में। पुसरला वेंकटा सिंधु एन इंडियन प्रोफेशनल बैडमिंटन प्लेयर जिन्हें PV सिंधु के नाम से जाना जाता है, ब्रांड एम्बेसडर बनी है वीज़ा की, ठीक है। वीज़ा की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, पुसरला वेंकटा सिंधु, PV सिंधु। देखिए वीज़ा क्या है, वीज़ा एक आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं वो वीज़ा कंपनी के करते हैं, और एक और क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की कंपनी है जिसका नाम है मास्टर कार्ड। तो मास्टर कार्ड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है MS धोनी को, जरा याद रखिएगा, मास्टर कार्ड से M फॉर मास्टर कार्ड, M फॉर MS धोनी, बाकी जो बची वीज़ा उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं PV सिंधु, और PV सिंधु का पूरा नाम है पुसरला वेंकटा सिंधु।
तो दोस्तों वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही है, थोड़े से जो चीज़ें बचती हैं ये हम अगले पार्ट में, पार्ट टू में डिस्कस कर लेंगे। और तब तक आपको जो है वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट्स करें आपके डाउट्स और आपको और इसमें क्या चाहिए, कोई क्लैरिटी या कुछ मैंने गलत बताया हो तो वो भी आप ज़रूर बता दें। और सेकेंड वीडियो का वेट करें और उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे। तो दोस्तों दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। और पार्ट टू बहुत जल्द आने वाला है, अगर आ जाएगा तो मैं इसी वीडियो में यहाँ पर ऊपर जैसे आपको लिंक दे दूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।